नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्टे टुगेदर में। जैसा कि आपको पता है, अपना राजस्थान की जो सीरीज है क्यूज सीरीज, जो इसके बहुत सारे वनडे एग्जाम है उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें जो अगला हमारा वीडियो है उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, जैसे कि लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए प्राणों की आहुति किसने दी। तो लाछा गुजरी की जो गाय थी उसको छुड़ाने के लिए जिन्होंने आहुति दी वो थे तेजा जी। कौन थे? तेजा जी। दूसरा हमारा सवाल है कि तेजा जी का की घोड़ी का नाम क्या था। तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन। वीर तेजा जी का मूल स्थान कौन सा है? हमारा तीसरा सवाल है कि वीर तेजा जी का मूल स्थान जो था वो कौन सा था। वो स्थान था सहदरिया। कौन सा था? सहदरिया। अगला सवाल है मेरा, नागौर के किस गांव में तेजा जी का प्रसिद्ध मेला भरता है। बहुत सारे एग्जाम में ये बड़े एग्जाम होते हैं राजस्थान के, उनमें ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। वो है परवसर, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? नागौर में। अगला सवाल है हमारा, काला और बाला और कृषि कार्यों की जो देवता है वो कौन है? ऐसे जो देवता है वो है तेजा जी। पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? अधिकतर क्वेश्चन इस तरह के, पाबू जी की घोड़ी, तेजा जी की घोड़ी, इनके नाम हमको याद रखने चाहिए क्योंकि मिलाने के भी लिए भी है बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से, आरएस वगैरह के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पाबू जी की जो घोड़ी है उनका नाम था केसर कालमी और तेजा जी की घोड़ी का नाम था लीलन। अगला सवाल है हमारा, पाबू जी का जन्म जो हुआ वो कब हुआ? पाबू जी का जन्म हुआ 1239 ईस्वी में। बाबूजी के पिताजी का नाम क्या था? बाबूजी के पिताजी का नाम था धानथत जी। अगला सवाल है हमारा, ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो ऊंट जब बीमार हो जाते हैं तो बाबूजी जो राजस्थान के लोक देवता हैं उनकी पूजा की जाती है। अगला हमारा सवाल है कि बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? बाबूजी जो है वो लक्ष्मण जी के अवतार थे, उनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। अगला सवाल है, भाला लिए अश्वरोही किस देवता के प्रतीक चिन्ह है? अश्वरोही होता है घोड़े पर सवार व्यक्ति। भाला लेकर के घोड़े पर सवार जो देवता थे वो उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन से थे? ऐसे जो देवता थे वो कौन थे? वो बाबूजी थे। अगला सवाल है, बाबा तलीनाथ का वास्तविक नाम क्या था? बाबा तलीनाथ का वास्तविक नाम क्या था? राठौड़ गांगदेव। कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ? कल्लाजी राठौड़ का जन्म जो हुआ दोस्तों वो मेड़ता में हुआ, जो कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अगला सवाल है, चार हाथ के जो देवता हैं उनको क्या कहा जाता है? उन्होंने जब लड़ाई लड़ी तो जो दोनों मतलब अपने हाथों में तलवार लेकर के इस तरह से लड़ाई लड़ी और तो इसलिए उनको चार हाथ का देवता कहा जाता है, वो हमारे थे कल्ला जी और इनके जो गुरु थे। अगला सवाल है, लास्ट सवाल हमारा, कल्ला जी के गुरु का नाम क्या था? वो था भैरवनाथ। भैरवनाथ जो थे वो कल्ला जी के गुरु थे। अगला सवाल है हमारा, प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले देवता कौन से हैं? तो प्रकृति प्रेमी जो राजस्थान में आपने देखा होगा, जो खिचड़ी के लिए लोग लिपट करके और मर जाते थे, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर हैं, तो ऐसे भी हमारे उनको देवता के रूप में पूजे जाने लगा। ऐसे जो देवता थे वो कौन थे? तल्लीनाथ जी। अगला सवाल है, सगुन शास्त्र के अनुसार ज्ञाता किसे कहा जाता है? सगुन शास्त्र के अनुसार हड़बू जी को ज्ञाता कहा जाता है। हड़बू जी हमारे राजस्थान के ऐसे लोग देवता हैं जिनको सगुण शास्त्र के अनुसार ज्ञाता कहा जाता है, इनको सभी चीज़ों का ज्ञान था। देव बाबा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जो देव बाबा हैं उनका मंदिर नागला जहाज, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ पर स्थित है। अगला सवाल है हमारा, मल्लीनाथ का जो मेला है वो कहाँ पर भरता है? मल्लीनाथ का मेला सीकर में भरता है।
और मल्लीनाथ हमारे ऐसे लोक देवता हैं, उनका जो जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ, वो सिकर में हुआ, उनका जन्म 1358 ईस्वी में हुआ, इनके नाम पर वहाँ का जो स्थान का नाम पड़ा वो मल्लीनाथ पड़ा, तो ये कहाँ पर है, ये सिकर में स्थित है। अगला सवाल है हमारा, वीर बग्गा जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ, वीर बग्गा जी का जन्म जांगल प्रदेश में हुआ, ये जांगल प्रदेश है उस बीकानेर में स्थित है, बीकानेर वाला जो इलाका है उसको जांगल प्रदेश नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है हमारा, वीर बग्गा जी किसके कुल देवता हैं, वीर बग्गा जी जाकर जो समाज है उसके कुल देवता हैं, जो कि वहाँ का जाट समुदाय है उसको जाखड़ नाम से भी संबोधित किया जाता है, तो वीर बग्गा जी जाखड़ समाज के कुल देवता हैं। अगला सवाल है, भूरिया बाबा, भूरिया बाबा किस जाति के इष्ट देवता हैं, भूरिया बाबा जो हैं वो मीणा जाति के इष्ट देवता हैं, इनको मीणा जाति के इष्ट देवता के नाम से जाना जाता है और इनको गोतमेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि वीर फत्ता जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, वीर फत्ता जी का मंदिर सातू में स्थित है। आगे चलते हैं हम, बाबा जुजार जी का जन्म किस जाति में हुआ, ये बाबा जुजार जी दोस्तों आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, किसी भी बुक में ये आपको सवाल नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी भी एग्जाम में, बनडे एग्जाम में, आरएस एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। जो बाबा जुजार जी हैं उनका जन्म राजपूत समाज में हुआ और जुजार जी इनका जो स्थान है, इनका जो वृक्ष है वो किस वृक्ष के नाम से जाना जाता है, खेजड़ी वृक्ष पर इनका स्थान होता है, जो कि आप थाल नाम से राजस्थान में जानते हैं, किसी भी स्थान जो होता है वो जुजार जी का जो स्थान होता है, बाबा जुजार का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। लास्ट हमारा सवाल है कि किस लोक देवता का जन्म गायों के बीच बीतता था, ऐसे कौन से लोक देवता थे जो हमेशा गायों की रक्षा करते थे, गायों के साथ रहते थे, गायों के साथ अपना अधिकतम समय बिताया करते थे, तो ये भी सवाल दोस्तों बहुत कम आपको बुक्स में मिलेगा। ये है हमारे पनराज जी, जो कि ऐसे लोक देवता हैं जिनका समय अधिकतम जो समय था वो गायों के बीच बीतता था। अगला हमारा जो अभी तक जो हमने क्वेश्चंस की है, ये क्वेश्चन जो की है वो थी लोक देवता की, अगली जो कड़ी होगी हमारी वो होगी लोक देवी की, तब तक के लिए नमस्कार।